Assalamu alaikum, I'm Numan here. I'm reviewing the SBMM 6 batch. मैं एक्चुअली पहले ग्रुप में देखता था, पोस्ट देखता था मुकीम साहब की कि दो तीन महीने की ट्रैफिक है, दो तीन महीने मतलब कि साइट को हुए हैं और ट्रैफिक जो सी है वो साइट पे बहुत अच्छी आ रही है। मैं पहले खाली पोस्ट देखा करता था ग्रुप के अंदर और ग्रुप में फॉलो करता था कि ये चीज़ें चल रही हैं, तो समझ नहीं थी आती कि ये क्या हो रहा है और कैसे मतलब ट्रैफिक आ रही है और कैसे सारा काम शाम हो रहा है, कोई जादू है या कोई जादू का चिराग है मुकीम साहब के पास के जोन सा ना बस दो महीने हुए हैं और तीन महीने हुए हैं और ट्रैफिक आना शुरू हो गई है, इतनी इतनी ट्रैफिक साइट्स पर आ रही है। तो उस वजह से मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया था। जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया तो उसके बाद कोर्स के अंदर काफ़ी चीज़ें जो सी हैं सीखने को मिली, ऐसी ऐसी चीज़ें सीखने को मिली कि जो हमें किसी ने बताई नहीं थी, कभी पता नहीं थी चीज़ें वो वाली। और तो जब मैंने कोर्स मतलब ज्वाइन किया तो कोर्स ज्वाइन करने के बाद जब हमारी फ़र्स्ट क्लास हुई थी, फ़र्स्ट क्लास हुई तो उसमें ही ऐसी चीज़ें मुझे सीखने को मिली फ़र्स्ट क्लास के अंदर के जोन सा है वो मतलब ऐसी हो ऐसे लगती थी कि जैसे बहुत मुश्किल चीज़ है, समझ नहीं थी आती, कोई समझाने वाला जोन सा ना जो भी समझाते थे वो ऐसे ऊपर से चीज़ें गुजरती थी लेकिन समझ नहीं थी आती कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन जब फर्स्ट लेक्चर लिया और उसके बाद आगे लेक्चर आते गए तो चीज़ें ऐसे समझ आना शुरू हो गई, ऐसे आसान हो गई कि जैसे बिल्कुल इजी होती हैं, जैसे बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें होती हैं। असल में बात यह है कि आजकल बहुत सारे लोग जौन से हैं, बहुत सारा टीचर्स जौन से हैं वो ऑनलाइन हैं जो कि पढ़ा रहे हैं और मतलब के कोर्सेज करवा रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा टीचर जौन सा है, कोई भी ऐसा मतलब कि आजकल इतना मुखलिस आदमी नहीं है ऑनलाइन फील्ड में कि जो आपको मतलब के अपना पूरा नॉलेज दे दे। तो सर मुकीम और सर उस्मान साहब ने जो नॉलेज दिया है वो अपनी मेहनत का, जो उनकी 6 साल की 8 साल की मेहनत है उनका निचोड़ उन्होंने हमें दिया, तो वो चीज़ें ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं, ऐसी चीज़ें हैं कि उनको अप्लाई करके जो उनसे हम लोग बहुत अच्छे रिज़ल्ट ले सकते हैं। ख़ास तौर पे मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं ऑनलाइन फील्ड में नया ही हूँ, ज़्यादा मुझे कोई आइडिया नहीं है ऑनलाइन फील्ड का, लेकिन SEO मैंने स्टार्ट की थी तो एक साइड मैंने स्टार्ट की थी तो उसमें मुझे मतलब कि कुछ इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला था, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा डिसहार्ट हो गया था कि ये तो कुछ समझ नहीं आने वाली चीज़ें, बस ऐसे ही ऑन पेज करो और ऑफ पेज करो और बैक लिंक्स बनाओ बस ऐसे ही। लेकिन उसमें जब तक आपको एक प्रॉपर पता ना हो चीज़ों का, एक प्रॉपर आपको वे से समझाया ना जाए तो आप वो काम नहीं कर सकते। नॉर्मल चीज़ों में ये बताया जाता है कि जी हम खाली बस कीवर्ड रिसर्च करें और कीवर्ड रिसर्च करने के बाद जो सा है हम क्या कहते हैं अपना ऑन पेज करें और थोड़ी सी ऑफ पेज करें तो बस बैक लिंक्स बनाएं और जो सा ना हमारी साइट रैंक हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है मेरा ख्याल से। सबसे पहले सबसे मेन चीज़ जो सी है वो रिसर्च है, मेन चीज़ें जो सी हैं रिसर्च हैं, आपने क्या किस चीज़ पर रिसर्च करनी है, किस तरह आपने काम करना है, किस तरह आपने जौन सा ना चीज़ों को लेके चलना है। सबसे मेन चीज़ जौन सी है मुझे सबसे जो प्रॉब्लम वाली लगती थी वो ये थी कि आर्टिकल्स को लिखना, कि आर्टिकल्स को लिखना कैसे है। तो आर्टिकल्स मैंने कभी आर्टिकल्स नहीं लिखे, ठीक है मैंने पहले भी आर्टिकल्स लिखवाए थे, जब मैंने पहले अपनी साइड बनाई तो मैंने आर्टिकल्स लिखवाए थे, लेकिन मुझे आर्टिकल्स लिखना बहुत ही मुश्किल लगता है, एक बहुत ही मुश्किल काम है मेरे लिए आर्टिकल लिखना। लेकिन जब मैंने
इस कोर्स में आर्टिकल का एक पूरा लेक्चर हुआ था, वो लेक्चर मैंने जब लिया तो वो सर इशफाक साहब थे, उनका लेक्चर लिया था। तो उन्होंने ऐसा समझाया आर्टिकल्स के बारे में कि आर्टिकल्स लिखना आपने कैसे हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब ख़ुद आर्टिकल्स लिख रहा हूँ अपने, और इंशाल्लाह ताला बाकी आगे भी जो चीज़ें हैं वो इंप्लीमेंट करके इंशाल्लाह ताला रिज़ल्ट लेके आऊँगा इंशाल्लाह ताला। और बाकी लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि ये कोर्स माशाल्लाह हर लिहाज से बहुत अच्छा है, इनकी स्ट्रेटजीज़ बहुत अच्छी हैं, और जो चीज़ें सिखाते हैं वो कहीं और सीखने को नहीं मिलती हैं, और ऐसा समझाते हैं कि जैसे आप मतलब बिल्कुल जैसे आपके पास बिल्कुल भी नॉलेज ना हो किसी चीज़ का, तो आप जो सा है उसको आसान तरीके से जो सा ना आपको समझ आ जाए। एक होता है समझाना आसान तरीके से, और एक होता है समझाना बड़े मुश्किल तरीके से। तो सर मुकीम ने जो समझाया वो बड़े आसान तरीके से समझाया था, सर मुकीम ने, सर उस्मान ने, और नदीम साहब थे, उनके लेक्चर भी बहुत अच्छे थे। मतलब हर हर चीज़ जो मैंने सीखी ना, जो मैंने लेक्चर लिए, वो बड़े बेहतरीन तरीके से और बड़े ही आसान तरीके से समझे, और समझ भी आई चीज़ें सारी। और मतलब यही था कि हम लोग लाइव लेक्चर लिया करें, तो मैं एक्चुअली मेरी तो जॉब है इधर, तो मैं जॉब करता हूँ, तो जॉब के साथ साथ लेक्चर लेने थोड़े मुश्किल होते थे। तो मेरा टाइम यहाँ पे 8 बजे का होता था, तो मैं अपने काम से फ्री होकर और लेक्चर लेने के लिए जो सा ना बैठ जाता था, सारे काम छोड़ छाड़ के अपने खाली हम लोग सारे काम अपने ख़त्म कर लेते थे और बस लेक्चर के लिए बैठ जाते थे, ताकि लेक्चर मिस ना हो, क्योंकि मुकीम साहब ने यही कहा हुआ था कि लाइव लेक्चर लेने, तो बस उसके लिए हम लोग सब काम सब छोड़ देते थे। बाकी ओवरऑल जो सा है SBMM के जो स्ट्रेटजीज हैं वो ओवरऑल बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। और इंशाल्लाह ताला अभी कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही हैं, और इंशाल्लाह ताला आगे जाके इंप्लीमेंट होंगी कुछ चीज़ें, तो साथ साथ इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी लेके आऊँगा। बाकी आप सबकी दुआएं चाहिए, और जो लोग अभी मतलब सोच रहे हैं कि हम लोग ज्वाइन करें या ना करें, उनके लिए यही मैसेज है कि अगर आप आपने कुछ सीखना है, अगर आप अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ये जो 15,000 या 20,000 जो भी फ़ीस है इस कोर्स की, वो कुछ भी नहीं है, एक नॉर्मल सी फ़ीस है, जो कुछ आपको सिखाया जाएगा इसके अंदर और जो कुछ आपको बताया जाएगा, वो इस 15,000 या 20,000 के लिए मेरे ख्याल कुछ भी नहीं है वो चीज़। तो आप लोग अगर आप अपने साथ सिंसियर हैं और कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप लाजमी इस कोर्स को ज्वाइन करें, ठीक है। तो बाकी जिसने नहीं करना, जिसने मतलब कि खाली ट्रिक्स लेने हैं, या खाली बस वो ये सोच रहा होगा कि बस ये लोग ऐसे ही हैं, तो वो बेशक ना ज्वाइन करे, उसकी अपनी मर्ज़ी है। बाकी हर बंदे की मेहनत अपनी होती है, कोशिश अपनी होती है, और हर बंदे का सीखने का तरीका और समझने का तरीका अपना होता है। बाकी और भी कुछ मेरी बातें मेरे जहन में थी जो शायद अभी मेरे माइंड में नहीं आ रही, मैंने कुछ बातें लिख के रखी हुई थी, लेकिन मैंने जो बातें मेरे जहन में आई, मैं वो सब कुछ जो उनसे वो आपको बता चुका हूँ। बाकी इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।